नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होने वाला है, सभी को मालूम है। आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर हम फिजिकल की तैयारी रिजल्ट के पहले करें या फिर रिजल्ट के बाद करें। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है, आप थोड़ा वीडियो को देख लीजिए, यह महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट एंड फिजिकल के बारे में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का तो सभी को मालूम है कि 24 दिसंबर से पहले या फिर 24 दिसंबर को कभी भी किसी भी दिन और किसी भी समय जारी हो सकता है। और फिजिकल भी कब होने हैं पता है आप लोगों को? जनवरी माह में फिजिकल की शुरुआत हो जाएगी। समय बहुत कम मिल रहा है, ऐसे मत सोचिए कि आपको महीने दो महीने फिजिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। केवल 25 दिन का समय रहेगा। अब देख लीजिए, 24 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, बचे आपके 6-7 दिन तो दिसंबर में बच रहे हैं, बाकी जनवरी के 15-20 दिन है। फिर आप फिजिकल की तैयारी कब करोगे? क्या 15-20 दिन में आप फिजिकल पूरा कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है दोस्तों। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पीईटी यानी कि फिजिकल की तैयारी रिजल्ट के पहले करें या बाद में करें। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपके स्कोर बन रहे हैं कि फिजिकल लायक है तो आप अभी से ही तैयारी कर लीजिए, वरना रह जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रह जाते हैं फिजिकल में, ठीक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस आप ना बनाए, फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपका उसमें नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट से ही होगा। आपके शरीर की कसरत हो जाएगी, बॉडी फिट बन जाएगी, माइंड अपने आप पॉजिटिव की ओर आएगा। तो ऐसे काम कर लीजिए मेरे भैया जी, रिजल्ट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हमारे द्वारा प्रत्येक जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी गई है, वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। नहीं देखी है तो कॉमेंट बॉक्स में आकर के आपका स्कोर और कैटेगरी वाइज एंड किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है वो बता देना, आपको मैं और बता दूंगा। फिजिकल के बारे में तो सभी को मालूम ही है, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी एक मौका मिलेगा, बस आपको गोले में आपको दौड़ लगानी है। कितनी दौड़ लगानी है? 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। और जो ये 1000 मीटर की दौड़ है ना, ये 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी भैया जी, ठीक है। ये तो पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों ध्यान दीजिए, एक मौका दिया जाएगा, दौड़ आपसे करवाई जाएगी, 1000 मीटर की दौड़ रहेगी। और ये जो दौड़ है 1000 मीटर की, 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी है महिला कैटेगरियों को। एंड इसमें वजन भी उठाना है, पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलो वजन उठाना है। और जो 35 किलो का ये कट्टा है ना, यहां पर कंधे पर रख करके आपको चलना होगा 100 मीटर। अब 100 मीटर कितना होता है? एक लाइट के खंभों की दूरी 100 ही मीटर होती है ज्यादातर, तो वो आप देख लेना। 2 मिनट के अंदर आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी है बिना रास्ते में वजन को धरे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 35 किलो वजन रख लिया, बीच में आराम कर लिया, बिल्कुल आपको 100 मीटर चलना ही है। महिला अभ्यर्थी, आपको केवल 20 किलो का वजन उठाना है, ठीक है। और यह 100 मीटर की दूरी तय करनी है 2 मिनट के अंदर। यह सब आपका फिजिकल होने वाला है। एक और बात, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, मेडिकल के बारे में बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है। मेडिकल दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। तो मेडिकल में अगर आपको डाउट है तो वो एक बार आप मेरे से संपर्क कर लेना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, वहां आपको मैं बता दूंगा कोई बॉडी में आपकी समस्या है। तो वैसे मैं रेलवे ग्रुप डी मेडिकल के बारे में अलग से पार्ट लेकर आऊंगा, सभी अंगों के बारे में आपको बताऊंगा, कौन कौन से अंगों की जांच होती है, क्या कुछ होता है। तो आप बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। ये बहुत बड़ा डाउट था कि हम पीईटी की तैयारी रिजल्ट से पहले करें या बाद में करें, अभी से ही तैयारी कर लीजिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। फिर आप कहोगे काश हम रिजल्ट से पहले ही दौड़ लगाना शुरू कर देते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। बेस्ट ऑफ लक, आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा ही बने, भगवान करे आपकी किस्मत खुल जाए और इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपका जो है सपना पूरा हो जाए। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।